दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी को 2022 तक कोविड-19 का टीका संभवतः नहीं मिल पाएगा। द बीएमजे में प्रकाशित अध्ययन में ये बताया गया है और सचेत किया गया है कि टीका वितरित करना उसे विकसित करने जितना ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसी पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में अनुमान जताया गया है कि दुनिया भर में 3.7 अरब वयस्क कोविड-19 का टीका लगवाना चाहते हैं, जो खासकर कम और मध्यम आय वाले देश में मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत रणनीतियां बनाने की महत्ता को रेखांकित करता है। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की संचालनात्मक चुनौतियां टीका विकसित करने से जुड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों जितनी ही मुश्किल होगी। अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, ये अध्ययन बताता है कि अधिक आय वाले देशों ने किस प्रकार कोविड-19 टीकों की भविष्य में आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है, लेकिन शेष दुनिया में इनकी पहुंच अनिश्चित है। उन्होंने कहा है कि टीके की आधी से ज्यादा खुराक 51% अधिक आय वाले देशों को मिलेगी, जो दुनिया की आबादी का 14% है, और बाकी बची खुराक कम एवं मध्य आय वाले देशों को मिलेगी, जबकि वो दुनिया की जनसंख्या का 85% से ज्यादा है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी को 2022 तक कोविड-19 का टीका संभवतः नहीं मिल पाएगा, और अगर सभी टीका निर्माता अधिकतम निर्माण क्षमता तक पहुंचने में सफल हो जाएं, तो भी 2022 तक दुनिया में कम से कम 5वें हिस्से तक टीका नहीं पहुँच पाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।